Hey students, do you know that some fishes can produce electricity? Yes students, ऐसे fish exist करती हैं जो कि electricity produce कर सकती हैं। Well students देखिए, generally तो हमें electricity जहाँ चाहिए होती है वहाँ पर हम कुछ batteries का इस्तेमाल कर लेते हैं। जानते हैं ऐसा ही कुछ present होता है इन fishes के अंदर भी, जिन्हें कहा जाता है electrocytes। और ये जो इनके special parts हैं ये बिल्कुल batteries की तरह ही काम करते हैं। जब भी ये fish अपने brain से signal भेजती हैं इन electrocytes के पास, तो ये electrocytes batteries की तरह काम करके बिल्कुल वैसे ही electricity प्रोड्यूस कर देते हैं। और ये जो फिशेज है ना, ये अपने प्रे को, अपने शिकार को ढूंढने के लिए और इनफैक्ट उन्हें मारने के लिए भी इस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसी फिश होती हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक ईल, जैसे कि कैटफिश, और ये दोनों ही बहुत ही खतरनाक हैं, तो आप इनसे दूर ही रहिएगा। कहीं आपने गलती से इन्हें टच कर लिया और आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वेल स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही, बट स्टे ट्यून्ड फॉर मच मोर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, तो डाउनलोड कीजिए हमारी PewStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैम्पल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।